हाँ वेरी ब्यूटीफुल, यस क्यूट आल्सो। गाइस हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए पोजनान, और हम अभी जाएंगे अपनी कार से, उसके बाद हम स्टेशन में ट्रेन पकड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं रख देती हूँ आना का स्कूटर, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है बिना स्कूटर के। तो हम कंपलसरी स्कूटर इसका लेके जाते हैं, कि जिससे क्या होता है हम इसको ना खड़े कर देते हैं, फिर धक्का मारते रहते हैं ना, इसलिए परेशान होती है ना। हमने रख दी आना के स्कूटर, और आना बैठने जा रही है अपनी कार सीट में। और यहाँ पे गाइस कार सीट कंपलसरी होती है, वरना बहुत बड़ा फाइन भरना होता है। गाइस आज का जो वीडियो है ये मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बनाने के लिए कहा था, क्योंकि उसने बताया था कि उनके कुछ जानने वाले यूरोप के टूर में गए थे, और उन्होंने बहुत सारी जगह गए और उन्होंने टिकट ही नहीं ली, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे क्या प्रोसेस है, कैसे टिकट लेनी है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है। तो अब हम पहुंच गए हैं स्टेशन, और ये जो सामने दिख रहा है ये स्टेशन है, और इधर साइड में पार्किंग है। हम हो गए हैं ट्रेन के लिए लेट, और मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले उतर जाती हूँ और ये गाड़ी पार्क करके आए, तब तक कि मैं टिकट ले लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली और मैं रहती हूँ पोलैंड में, और आज मैं जाने वाली हूँ बाहर। तो आज आपको दिखाऊंगी कि हम लोग यहाँ पे कैसे बाहर ट्रैवल करते हैं, लाइक किस चीज़ से, जैसे ट्रेन से, तो हमें कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो ये तो नॉर्मल जैसे इंडिया में होती वैसे ही होती है। तो अभी मैं यहाँ लाइन पर लगी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है, मीन्स लंबी उतनी नहीं है, बट इनका ना बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जैसे हमारे इंडिया में जैसे फटाफट फटाफट लगाया और टिकट दे दी, ऐसा नहीं होता है। तो मैं अभी खड़ी हूँ, और मेरी जो ट्रेन है 12:36 में है, और मेरी अभी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ट्रेन लाइन में लग जाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइप्स की ट्रेन होती है, एक IC होती है और एक लोकल। तो ICC जो होती है इंटरसिटी, ये थोड़ी लंबी जाती है। तो इसका क्या होता है कि हमें ना टिकट पहले ले लेना होता है, वरना बहुत बड़ा फ़ाइन भरना पड़ता है। फ़ाइन मीन्स एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं अगर विंडो ये ओपन होती है और हमने टिकट नहीं लिया, तो उसके लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। बट हमारी ट्रेन जो है वो है लोकल वाली, तो हम ट्रेन से भी टिकट ले सकते हैं। बट मैंने सोचा अगर टाइम है तो मैं ले लेती हूँ, बट मुझे लग रहा है मैं टिकट नहीं ले पाऊँगी, तो मैं ट्रेन से लेती हूँ। बाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ प्लेटफॉर्म में, और ये बहुत छोटा स्टेशन है, आप देख सकते हो पीछे बैकयार्ड में। और क्या बोलते हैं, हम लोगों की ट्रेन KW है, जो कि यहाँ की लोकल होती है, जो रेड कलर में यहाँ पे होती है। एक IC होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। आना अभी हम ट्रेन में बैठे भी नहीं, यार आपके पुप्पू चालू की, देखो हमारी ट्रेन आ रही है। Why scared? फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, और ये है लोकल ट्रेन, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जैसे हम लोगों की यहाँ इंडिया में मेट्रो ट्रेन होती है, बस वैसी ही है। और मैं जा रही हूँ पीछे, क्योंकि मुझे पीछे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये स्टेशन में इजी होता है उतरने में। तो वैसे जो एक ग्रीन कलर का बटन है ना, इसे हम जैसे टच करते हैं ये अपने आप डोर ओपन होते हैं, और नीचे सीढ़ियाँ निकल के आती है। और अब मैं जा रही हूँ अंदर। तो ये ना इंडिया की ट्रेन जैसे नहीं होती है, लाइक थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ बस होती है ना, बस वैसे होती है, इसकी सीट वगैरह और ये कैबिन वगैरह बने होते हैं। बट यहाँ पे ये क्लीन बहुत अच्छी तरीके से होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा गैप है, तो आप आराम से इसमें फैल फैल के बैठ सकते हैं। हमने पीछे की सीट चूज़ करी है, बट आप आगे और भी अच्छी जगह होती है, आप उसमें आराम से बैठ सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप दो ऑप्शन होते हैं, या तो जैसे लोकल वाली जो ट्रेन होती है उसमें TT होते हैं, जैसे आपने देखा भी वो है। अब द सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे मशीनें लगी होती है हर जगह पे, जैसे थोड़ी थोड़ी जगह पे, तो आप इससे ले सकते हो। इसमें देखो आप सब, इसमें लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना होता है, जैसे यहाँ कार्ड वगैरह यहाँ पर सब एक्सेप्ट होता है, और उसके बाद में आपको जैसे लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करा, फिर आपने कहाँ जाना है आपको वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में आपको कितनी टिकट चाहिए, वो मुझे कुछ दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ TT जब खड़ी थी तो मैंने उनको कहा यार आप ही कर दो, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सामान था, तो उसने मेरी हेल्प की और उसने मेरा टिकट कर दिया। तो आप वहाँ पर इंग्लिश में सारा चीज़ होता है, तो आप इजीली वहाँ से कर सकते हो, और आपको कार्ड से पेमेंट कर देनी होती है, ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है।
टिकट अब नीचे से निकलेगी और टीटी पास में है तो चेक भी कर देगी। तो अब मैं दिखाती हूँ आखिर ट्रेन का टॉयलेट। तो गाइज यहाँ पे जो वेलकम लिखा है रेड से तो मतलब यहाँ पे अंदर कोई है, और अगर ये ग्रीन हो गया है तो मतलब आप अंदर जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे मेन जो है यहाँ पे कुंडी लगाना है। अगर आपने कुंडी नहीं लगाया तो आगे वाले को लगेगा अंदर कोई है, क्योंकि वो ग्रीन ही रहेगा। और ये इंडियन टॉयलेट जैसे ही है, बस यहाँ पे थोड़े सेंसर वगैरह लगे होते हैं और डस्टबिन वगैरह थोड़े से बनी हुई होती है, और कुछ ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ट्रेन में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे सारे ना सीट के पास में ऐसा डस्टबिन बना होता है, जो भी आप खाते पीते हो आप उसमें डाल सकते हो। आप देख सकते हो सारे सीट के नीचे लगा हुआ है। और मेन यहाँ पे जैसे हम साइकिल भी लेके जा सकते हैं, उसके लिए अलग से जगह बनी होती है। मतलब छोटी सी ट्रेन में सब कुछ होता है यार। तो अब हम उतर गए हैं ट्रेन से और हम जा रहे हैं स्टेशन। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेन स्टेशन क्या होता है, जैसे बड़ी सिटियों में क्या होता है, यहाँ पे ना ट्रेन नीचे होती है और स्टेशन ऊपर होता है। और हर स्टेशन में मतलब मॉल होते हैं, जैसे बड़ी जो सिटी होती है ना उसके ऊपर नीचे तो हमारा स्टेशन हो गया है, और उसके सॉरी प्लेटफॉर्म हो गया है, और ऊपर जो स्टेशन है उसके साथ में मॉल, बड़े बड़े मॉल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी लोग आते हैं ना उन लोगों को बोर भी फील नहीं होता, वो मॉल वगैरह घूमते रहते हैं, अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ये जैसे दिख रहा है ना 2 नंबर और ये सब 3 नंबर जो लगे हुए, ये प्लेटफॉर्म है। मतलब नीचे जाओ और आपको वहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। और ये जो इधर है ये स्टेशन, मतलब वहाँ से हम टिकट वगैरह ले लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ट्रैम पकड़ने, क्योंकि हमें दूसरे मॉल जाना था। बेसिकली आप लोगों को दिखाना था कि मतलब हम लोग ट्रैवल कैसे करते हैं, और थोड़ा बड़ा काम था ही, क्योंकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है तो हमारे यहाँ पे सेल लगी होती है। वैसे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं था, बट हमें लगा कि चलो यार सैटरडे को थोड़ा घूम आते हैं। तो आपने अभी देखा होगा पीछे साइड में जहाँ पे मैकडी, मतलब उसका एम मैकडी का जो सिम्बॉल था, वहाँ पे अंदर से एंट्री थी मॉल की, जो कि बहुत बड़ी है। और ये आना देखो, स्कूटर अपना लेके नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा नहीं 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 स्कूटर तो लेके जाए यार, क्योंकि वो बहुत परेशान करती है, बाद में थक जाती है और कहती है मम्मा पापा उठा लो। तो गाइस यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो कुछ बना है ना ये साइड में, ये ना सिगरेट के लिए है। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तभी तो लोग इंडिया में कहते हैं ना कि अरे यूरोप बना देंगे, बस इसीलिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे आपने देखा ये ऊपर बहुत बड़ा मॉल है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये आगे से लेके पीछे तक की ये मॉल है। और नीचे जो अभी देख रहे थे इस मॉल के नीचे आधे इसमें ट्रेन की पटरियाँ लगी हुई है और आधे इसमें बस का स्टेशन है। अब देखो आप एरोप्लेन जा रहा है। गाइज मुझे यहाँ सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ पे ये लोग सिग्नल के पूरे रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और गाड़ी भी मतलब ऐसा नहीं कि अगर खाली रास्ता दिख रहे तो चला दे या कुछ ऐसा। इधर से जाएंगे ना, बैठेंगे। तो इधर साइड में है ट्रैम स्टेशन। आगे मैं आपको बताती हूँ कि ट्रैम की टिकट कैसी ली जाती है। तो गाइज यहाँ पे ये जो कोने में दिख रहा है ना, ये ऐसी मशीनें लगी होती है, तो ये 2-3 लगी होती है, आप कहीं से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ना टाइम मिनट के अकॉर्डिंग टिकट्स मिलती है। यहाँ पे आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हो इजीली, और कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो जैसे वहाँ पे दिख रहा है। हमारे पास ऐप है तो हमने ऐप से लिया। और ये जो थे ना ट्रैम के नंबर लिखे हुए हैं कि किस नंबर की ट्रैम यहाँ पे आएगी। और आगे आप देख सकते हो यहाँ पे ना नक्शा बना हुआ होता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या है, वो सब उसका लिखा होता है। और मेन यहाँ पे जो है ना ट्रैम के नंबर दिए, तो उसको स्टेशन के नाम लिखे होते हैं। आप उस स्टेशन जैसे आपको जहाँ जाना है आप उसमें सर्च कर सकते हो, उस नंबर की ट्रेन का वेट कर सकते हो। तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हमारी ट्रेन जो 6 नंबर की है, तो हमारी ट्रेन फाइनली अब आ गई है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम वहाँ से कैसे ट्रेन की टिकट लेते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा ट्रैम में भीड़ है, इससे ज़्यादा मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखा। तो ट्रैम में कुछ दिखाने लायक है ही नहीं। तो गाइस हमने ले लिया है ऐप से टिकट, जो कि कुछ इस तरह होती है। और आप यहाँ से भी, इसे मशीनें पूरी ट्रैम में लगी होती है बहुत सारी, तो आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हो और कार्ड स्वाइप कर सकते हो। और ये जो टिकट्स होती है ना गाइस, ये मिनट के अकॉर्डिंग मिलती है, जैसे 15 मिनट की, 20 मिनट की, 45 मिनट, मतलब आप एक टिकट ले सकते हो, उसके चार्जेस होते हैं। फिर आप कोई सी भी ट्रेन में से बैठ सकते हो, अगर आपका वो टिकट का टाइमिंग है तो आप चेंज करके बैठ सकते हो। तो
ट्रैम के अंदर तो कुछ था नहीं, तो मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ क्योंकि इतनी भीड़ में तो कुछ दिखना नहीं है। और गाइज ये ना बहुत छोटी छोटी जगह पे रुकती है, जैसे अब देखो फट से एकदम से हम बैठे हो और यहाँ पे स्टेशन आ गया दूसरा। तो गाइस ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पे ये बस स्टेशन, और आप यहाँ से मतलब सारी कनेक्टिंग है एक्चुअली। यहाँ पे सिटियों में क्या होता है, बस ट्रेन ट्रैम सब जगह एक ही जगह जा रही होती है, और मुझे जाना है इस मॉल में, तो हम थोड़ा सा एक राउंड लगा के मतलब ये आगे वाले स्टेशन में उतरेंगे, तो हम उतर गए हैं। तो गाइस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आप जैसे बाहर कहीं जाते हो, तो प्लीज़ बिना टिकट के ना बैठे, क्योंकि ये बहुत बड़ा तगड़ा फाइन लगाते हैं। और लगाते तो चलो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोगों से पूछ सकते हो, क्योंकि रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे और उनको पता ही नहीं था कि टिकट कहाँ से लेना है, और वो पहुँच भी गए। बट ना कई बार अब अगर हम पकड़ा जाते हैं ना तो बहुत बड़ा फाइन देना पड़ता है, और हमारे जो कंट्री की बदनामी होती है वो अलग की बात है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।